जय माता दी। अधिकतर आप एक ऐसा अच्छा घर ढूंढने की तलाश में होंगे अपने बहन के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने घर परिवार में रहने वाली लड़कियों के लिए। तो आपने सारी कोशिश कर ली होंगी कि एक अच्छा घर मिल जाए, एक अच्छा परिवार उसको मिल जाए। अच्छा परिवार से मतलब होता है जहाँ बेटी सुखी रहे, आपकी बहन वहाँ सुखी रहे जाके, कोई भी घर में ग्रह क्लेश ना हो, किसी भी प्रकार की उसको परेशानी ना हो। और एक नए वातावरण में जब आपकी लड़की, आपकी बच्ची जब जाती है, तो एक आपको भी एक मन में एक शंका बनी रहती है कैसे लोग होंगे, कैसा वहाँ बर्ताव किया जाएगा, बच्ची खुश रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आपके मनों में रहती हैं। और आप निरंतर कोशिश करते हैं कि एक अच्छा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, तो आपका जीवन सफल हो जाए। और कई बार बहुत सारे लोगों की ये खोज सफल नहीं हो पाती हैं और अधिकांश उन्हें ऐसे घर मिल जाते हैं जहाँ उनकी बच्ची है, बेटी है, सब दुखी रहती है, हमेशा प्रॉब्लम आती रहती हैं, कोई ना कोई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी अनावश्यक तरीके के लोग उसको परेशान भी करते हैं। तो मैंने कुल मिला के आपने दिन और रात एक कर दिया है और ऐसा परिवार नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि सब परिवार बहुत अनुकूल हो, शांत हो, बहुत अच्छा हो, जीवन निर्वाह जिसमें अच्छा चल रहा हो, घर में सुख शांति हो। ऐसा यदि आप चाहते हैं, आपने सारे यत्न कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए हो, तो आज एक मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को कर लेना। इस उपाय को कर लेंगे यदि आप, तो आपके घर की जो बेटियाँ होंगी, जो बच्चियाँ होंगी, उनको एक अच्छा घर मिल जाएगा। ये उपाय अधिकांश कोशिश करें अपनी बच्चियों से करवाएँ। बच्चियाँ क्योंकि जो भी उपाय करती हैं, जो भी पूजा पाठ करती हैं, अपने पीहर में जो भी कार्यकलाप करती हैं, उन सब का पूर्ण फल उनको अपने ससुराल में जाके मिलता है। मतलब उनको एक अच्छा यदि घर मिल जाता है तो ये उनका पूर्ण फल होते हैं। उनको घर में सुख शांति मिलती, समृद्धि मिलती है, तो ये सब उनके पूर्ण फलों का प्रताप होता है। तो जो लड़कियाँ पीहर में रहती हैं, अपने घरों में रहती हैं, तो वो जितनी भी पूजा पाठ करेंगी, उन सब का पूर्ण प्रभाव उनको ससुराल में जाके मिलने वाला है। तो आज एक ऐसे ही हम उपाय की बात करेंगे। यदि आप इस उपाय को करते हो, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनसे भी करवा सकते हैं। आप इसको दैनिक दिनचर्या में उनके बच्चियों के डाल दें तो इनको इसका पूर्ण प्रभाव इतना अच्छा मिलेगा कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक अच्छा घर ढूंढने के लिए। आपको रिश्ता खुद ब खुद चल के घर पर आएगा। ऐसा रिश्ता आएगा जहाँ लड़की आपकी खुश रहे, सुखी रहे, समृद्धिशाली रहे, वहाँ जीवन उसका श्रेष्ठतम रहे, सारे परिवार के लोग उसको प्यार करें, सभी लोग उसको चाहें, सारे परिवार में उसकी इज्जत हो, सभी लोग उसकी इज्जत करें, कुल मिला के हर तरह से उसके लिए अनुकूल रिश्ता मिले। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उस उपाय को अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी आप सिखा दें, वो भी करना शुरू कर दें, और जो बड़ी हो रहे हैं, जिनकी शादी लायक उम्र हो चली है, वो बच्चियाँ भी कर सकती हैं। यदि बच्चियाँ की जगह उनके माँ बाप करते हैं तो ठीक है, उनका भी फल मिल जाता है, उनके बच्चियों के नाम से यदि करते हैं। लेकिन यदि आपकी बच्चियाँ ही इस उपाय को करें तो सबसे ज़्यादा उनको अनुकूल फल मिलने वाला है। तो छोटा सा उपाय है, हर महीने में दो अष्टमी आती हैं, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, दो अष्टमी हर महीने पड़ती हैं। इन दोनों अष्टमियों पर क्या करना है, किसी भी महादेव के मंदिर में जाके जब तक आपको मिल जाए बेलपत्र के पेड़ पे जो फल होता है, बेल का फल जो होता है, हर सीज़न में ये फल आपको नहीं मिलेगा, जो भी इसका सीज़न होता है उस समय इस फल को लेके आप महादेव को अर्पित करें, जलाभिषेक करें, यदि आप हो सके तो पूरा अभिषेक करें इनके को। तो अष्टमी के दिन ये उपाय ज़रूर करवाएं अपनी बच्चियों के साथ में। और अष्टमी के दिन महादेव जी को जो बेल अर्पित करेंगे आप, उसका इतना पुण्य प्रभाव होता है कि इन बच्चियों का उस जल्दी से जल्दी शादी के रिश्ते आ जाएंगे, बहुत अच्छे रिश्ते घर से आएंगे। जैसा आप चाहते हैं, जैसा अनुकूल घर आप बच्चियों के लिए चाह रहे हैं, वैसा ही उनको मिलने वाला होता है, जिससे बच्चियां आगे उनका भविष्य सुखी रहे। तो छोटा सा उपाय है, इसको ज़रूर करवाएं। और तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।